नफ्स का ढीलापन खत्म करने के बाद तनाव और सख्ती पैदा करने वाला शानदार नुस्खा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हकीम जलाल खान, आपकी खिदमत में एक शानदार नुस्खे के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे हमारे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। वो भाई जो ये शिकायत करते हैं कि उनके पेनिस में, उनके नफ्स में बहुत ज़्यादा ढीलापन रहता है, टाइट होता ही नहीं, स्टैंड जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन टाइट, उसमें टाइटनेस बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा ढीलापन रहता है, सख्ती का नाम नहीं रहता होता है उसमें, जिसकी वजह से जो है वो बीबी के साथ हम बिस्सी नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, एंटर करने के लिए, इंटरफोर्स के लिए टाइटनेस हार्डनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके जब तक टाइटनेस नहीं होगी, आप बीबी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो है पेनिस को एंटर नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि आपकी टाइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत शानदार आपकी पेनिस की सख्ती, हार्डनेस को कर देगा, और जाहिर जो उसमें ढीलापन है वो सब खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट उसमें ये है कि आपकी इन सब के साथ टाइमिंग भी बढ़ा देगा। पेनिस की जितनी भी कमजोरी है उस सबको खत्म करने के बाद, उसे ताकतवर, सुडोल बनाने के बाद उसकी टाइमिंग आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब आप नुस्खा देख लें, आपने क्या क्या लेना है। आपने लेना है कलौंजी, कलौंजी ले लें, और आप ले लें तुखमे रेहान, और आप ले लें अकर करहा, और ले लें कूजा मिश्री। अब हम इसके वजन की बात करें तो ये आप एक ही मात्रा में ले लें, अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप पहली बार में 100 100 ग्राम ले लें या 50 50 ग्राम ले लें। आपने इसको कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करना है, 1 महीने में ये आपके पेनिस को पावरफुल बना देगा, सारी उसकी वीकनेस और ढीलापन खत्म हो जाएगा। मैंने आपको 4 चीजें बता दी हैं, कलौंजी, तुखमे रेहान, अकर करहा और मिश्री। आप इनको एक ही मात्रा में ले लें, एक बराबर ले लें। लेने के बाद कूट पीस के इनका बारीक पाउडर तैयार कर लें। जब पाउडर तैयार हो जाए तो दवा आपकी तैयार है। आपने इसमें से आधा चम्मच लेना है सुबह खाली पेट दूध के साथ, आधा चम्मच लेना है रात में सोते टाइम दूध के साथ। इसको आप लगातार करें, बस इस बात का खास ख्याल रखें पेट में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए आपके, कब्ज वगैरह, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसके लिए कोई मेडिसिन आप आयुर्वेदिक ले लें, त्रिफला चूर्ण वगैरह ले लें। बस इसको आप करें, और खट्टी चीज़ों से, तली भुनी चीज़ों से, गर्म चीज़ों से परहेज करेंगे तो 1 महीने में जो पेनिस की आपकी कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।